वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ गुरुजी। आज हम आपको जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने कुछ सिलेबस 2020 एंड 21 के आसे रिड्यूस किया है एसएससी का और उसी तरीके से दूसरे क्लासेस का। तो आज हम आपको मैथ वन और मैथ टू का रिड्यूस सिलेबस आपको दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो यूज़फुल होगा उन तमाम टीचर्स के लिए, तमाम एसएससी में उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो हम जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने अपने नोटबुक्स अपने अपने बुक्स जो है निकालें मैथ वन और मैथ टू का, और जो है हम बुक के ज़रिए आपको बताने वाले हैं। हमारे पास एक पीडीएफ बुक डाउनलोड है, तो इस पीडीएफ बुक के ज़रिए हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा सिलेबस यहाँ से रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर के हिसाब से आप फॉलो करते जाइए। तो सब में पहले आप निकालिए पेज नंबर टू। तो पेज नंबर टू के ऊपर हम आ जाते हैं। पेज नंबर टू, ये मैथ वन का हम सिलेबस आपको बता रहे हैं जो रिड्यूस हो गया है। पेज नंबर टू के ऊपर जो है आप एग्जांपल नंबर वन आपको नज़र आ रही है, एग्जांपल नंबर वन, जिसमें जो है दो मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। ये सिलेबस रिड्यूस हो गया है। उसके बाद जितना भी हम अंडरलाइन किए हैं येलो कलर से, तो आप जो है देख सकते हैं कि आप पेंसिल से टिक मार दीजिए इन क्वेश्चंस को, इन बिट्स को जो रिड्यूस किया गया है, जो हम अंडरलाइन किए हैं। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर थ्री के ऊपर। पेज नंबर थ्री के ऊपर एग्जांपल नंबर टू ये रिड्यूस कर दी गई है, यानी कि आपके सिलेबस में से कट की गई है, निकाल दी गई है। सिर्फ इसी साल के लिए ये सिलेबस कम किया गया है। चलिए पेज नंबर टू के बाद, थ्री के बाद आप पेज नंबर फोर पर आ जाइए। पेज नंबर फोर पर प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 देखिए। 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये रिड्यूस कर दिया गया है। फिर तो उसके बाद आ जाइए पेज नंबर फाइव के ऊपर। पेज नंबर फाइव के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर टू है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये रिड्यूस कर दिया गया है। फिर तो उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 16 पर, आपके मैथ के पेज नंबर, मैथ वन के बुक के पेज नंबर 16 पर आ जाइए। देखिए ये पेज नंबर 16 है। पेज नंबर 16 में जो एक्टिविटी है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये एक्टिविटी रिड्यूस कर दी गई है। पेज नंबर 16 के बाद आप पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18, ये दोनों भी पेजेस पे का जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, ये रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 17 एंड पेज नंबर 18, ये पूरा जो कंटेंट है ये रिड्यूस कर दिया गया है। अब आ जाइए पेज नंबर 19 के ऊपर। पेज नंबर 19 के ऊपर जो एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है, एक्टिविटी रिड्यूस कर दी गई है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.4 के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज रिड्यूस कर दी गई है, जिसके अंदर जो है 1.4 के अंदर 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, ये पूरी रिड्यूस कर दी गई है सिर्फ इस साल के लिए। फिर उसके बाद जो है पेज नंबर 19 के बाद अब आ जाइए पेज नंबर 28 के ऊपर। पेज नंबर 28, चलिए पेज नंबर 28 है। पेज नंबर 28 के ऊपर जो प्रॉब्लम सेट वन है, प्रॉब्लम सेट वन का क्वेश्चन नंबर 6 के पूरे बिट्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 बिट्स, देर आर 5 बिट्स इन क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ प्रॉब्लम सेट। तो ये पूरे क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए गए हैं, यानी कि कम कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से। फिर उसके बाद पेज नंबर 28 के बाद अब आ जाइए पेज नंबर 37 पर। पेज नंबर 37, देखिए पेज नंबर 37 के ऊपर सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये पोर्शन जो है आपका कम कर दिया गया है। फिर उसके बाद 37 के बाद 38, पेज नंबर 38, ये पूरा का पूरा पेज रिड्यूस कर दिया गया है। 38 के बाद अब आ जाइए पेज नंबर 39 पर। 39 पर आप देखेंगे कि एग्जांपल नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट 2.3 के पूरे क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए गए हैं। पेज नंबर 39 के बाद अब आ जाइए पेज नंबर आप 42 पर। पेज नंबर 42, देखिए पेज नंबर 42 में फॉर मोर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये पूरा का पूरा जो है पेज जो है कम कर दिया गया है। पेज नंबर 42 के बाद आप पेज नंबर 43 पर आ जाइए।
जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी इतनी एक्टिविटी जो है रिड्यूस कर दी गई है, कम कर दी गई है, कट कर दी गई है। फिर उसके बाद 43 के बाद आप आ जाइए पेज नंबर 46 एंड 47, पेज नंबर 46 एंड पेज नंबर 47। ये दोनों भी पेजेस पे का जो कंटेंट है, मटेरियल है, ये पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया गया है 46 और पेज नंबर 47। अब उसके बाद 47 के बाद आ जाइए पेज नंबर 49 पर। पेज नंबर 49 के ऊपर क्या क्या रिड्यूस किया गया है, देखिए लेट्स रिमेम्बर है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा का, ये क्वेश्चन रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद जो है प्रैक्टिस से 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3, ये रिड्यूस कर दिया गया है पेज नंबर 49 के ऊपर। पेज नंबर 49 के बाद आप आ जाइए पेज नंबर 50 पर। पेज नंबर 50 पर जो प्रैक्टिस से 2.5 है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 50 के बाद अब आ जाइए पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 पर देखिए, हम आते हैं पेज नंबर 53 पर, प्रॉब्लम सेट नंबर 2 है। प्रॉब्लम सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये रिड्यूस किया गया है 53 के बाद। अब आ जाइए पेज नंबर 54 पर, क्वेश्चन नंबर 10 रिड्यूस कर दिया गया है 54 पर, क्वेश्चन नंबर 10 रिड्यूस कर दिया गया है। अब उसके बाद 54 के बाद आप डायरेक्ट आ जाइए पेज नंबर 94 पर। चलिए पेज नंबर 94 पर हम आ चुके हैं। पेज नंबर 94 पर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है, ये डिलीट कर दिया गया है, ये कम कर दिया गया है आपके सिलेबस से। फिर 94 के बाद आ जाइए पेज नंबर 96 पर। 96 पर भी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ये जो पार्ट है इतना पार्ट डिलीट किया गया है जो हमने अंडरलाइन किया है येलो कलर से। फिर उसके बाद 96 के बाद आप आ जाइए 97 से लेकर पेज नंबर 108, ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं 97 से लेकर पेज नंबर 108, ये पूरे पेजेस जो है रिमूव कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से, जो है कम कर दिए गए हैं ये सिलेबस। 97, 98, 99, उसके बाद 100, फिर 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 एंड 108, ये पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया गया पोर्शन 108 के बाद। आप आ जाइए पेज नंबर 111 पर आ जाइए। पेज नंबर 111 पर जो प्रॉब्लम सेट 4B है, जो है ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम सेट रिमूव कर दी गई है, कम कर दी गई है 111 पर और 112 पर इसके क्वेश्चंस हैं, ये पूरे के पूरे जो है आपके सिलेबस से कम कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद पेज नंबर 112 के बाद अब आ जाइए पेज नंबर 132 पर। चलिए पेज नंबर 132 पर अज्यूम मीन मेथड है, ये अज्यूम मीन मेथड ये रिड्यूस कर दिया गया है 132 के बाद। आ जाइए आप पेज नंबर 133, ये पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। और उसी तरीके से 133 से लेकर 137 तक ये पूरे के पूरे पेजेस जो है रिड्यूस कर दिए गए हैं 134, 135, 136 एंड 137, ये रिड्यूस कर दिया गया है 137 के बाद। अब आ जाइए पेज नंबर 138 पर। 138 पर प्रैक्टिस सेट 6.1 है, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये रिमूव कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं 138 के बाद। अब आ जाइए पेज नंबर 159 पर, आपकी बुक के पेज नंबर 159 पर आ जाइए आप लोग। चलिए पेज नंबर 159 पर ये पूरा का पूरा पेज रिमूव कर दिया गया है। अब 159 और उसी के साथ साथ 160, तो ये पाई डायग्राम के क्वेश्चंस हैं, ये रिमूव कर दिए गए 159, पेज नंबर 159 और पेज नंबर 160 ये रिमूव कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो है पेज नंबर 161 पर भी जो ऊपर वाला पार्ट है,
चार पांच लाइन ये भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद 161 के बाद अब आ जाइए 164 पर। 164 पर देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट 6.6 स्टार्ट हो गई है 163 पर। तो वन जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये रिड्यूस कर दिया गया है आपके सिलेबस से, पाई डायग्राम के क्वेश्चन हैं ये। अब उसके बाद आ जाइए अब 164 के बाद 165 पर, पेज नंबर 165 पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद 165 के बाद अब आ जाइए 167 पर। 167 पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो रिमूव कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। 167 के बाद अब आ जाइए 168 पर, पेज नंबर 168, देखिए पेज नंबर 168, और इस पर क्वेश्चन नंबर 16 ये रिड्यूस कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आपके जो है मैथ वन के अंदर इतने टॉपिक्स आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब हम मैथ टू के टॉपिक्स देखने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, मैथ टू के टॉपिक्स हम देखेंगे। मैथ टू के अंदर आपको निकालना है पेज नंबर 8, तो पेज नंबर 8 हम निकाल लेते हैं, खोलते हैं पेज नंबर 8। देखिए पेज नंबर 8 पर प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल है, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो है रिमूव कर दिया गया पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 के बाद आ जाइए पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर आप देख रहे हैं इसका प्रूफ ये, और ये फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ये पेज नंबर 9 पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। अब पेज नंबर 10 के ऊपर आ जाइए। पेज नंबर 10 पर कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, ये पूरा का पूरा पेज, पेज नंबर 10 भी जो है पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है सॉरी। अब उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 के ऊपर रिमेंबर दिस में जो है थर्ड एंड फोर्थ ये वाला जो है पोर्शन रिमूव किया गया है, रिड्यूस किया गया है। फिर उसके बाद अब आ जाइए पेज नंबर 11 के बाद पेज नंबर 12 पर, एग्जांपल नंबर 2 ये रिड्यूस कर दिया गया है पेज नंबर 12 पर। फिर उसके बाद पेज नंबर 13 पर आ जाइए। पेज नंबर 13 के ऊपर आप देख रहे हैं ये पेज नंबर 13 है, तो ये जो एक्टिविटी है एक्टिविटी रिमूव कर दी गई। उसी तरीके से प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में तीन फिगर्स हैं, ये तीनों के तीनों फिगर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं सिलेबस से। अब पेज नंबर 13 के बाद अब आ जाइए पेज नंबर 14-15। तो पेज नंबर 14 के ऊपर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन रिड्यूस किए गए। तो पेज नंबर 14 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये रिड्यूस कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स। और उसी तरीके से 14 के बाद पेज नंबर 15 पर आ जाइए। पेज नंबर 15 के ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11 ये रिड्यूस कर दिए गए हैं पेज नंबर 15 के बाद। अब आ जाइए पेज नंबर 28 पर। चलो पेज नंबर 28 पर हम आते हैं। चलिए पेज नंबर 28 के ऊपर देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 28 पर जो कि प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चन है, उसके ऊपर प्रॉब्लम सेट 1 के 28 के ऊपर जो क्वेश्चन है कौन कौन से क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये रिड्यूस किया गया है। फिर उसके बाद 28 के बाद पेज नंबर 29 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 रिमूव किया गया है, रिड्यूस किया गया है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद पेज नंबर 29 के बाद अब आप आ जाइए पेज नंबर 40 से लेकर 42। चलिए पेज नंबर 40, पेज नंबर 41 एंड पेज नंबर 42, तो ये तीनों भी पेजेस जो है रिड्यूस कर दिए गए हैं। फिर से एक मतलब आपको बताते हैं, पेज नंबर 40, पेज नंबर 41, पेज नंबर 42, ये तीनों के तीनों पेजेस रिमूव जो है रिड्यूस कर दिए गए हैं। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 43 पर। पेज नंबर 43 पर प्रैक्टिस सेट 2.2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज रिड्यूस कर दी गई है। 43 के बाद अब आ जाइए आप 44 पर। 44 पर देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6
वन का सिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिक्स बिट ये रिड्यूस किया गया है पेज नंबर 44 पर। पेज नंबर 45 पर देखिए, पेज नंबर 45 पर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये रिड्यूस कर दिए गए हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी रिड्यूस कर दिया गया है। अब 45 के बाद आ जाइए 46 पर। 46 पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 प्रॉब्लम सेट का, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। अब यहाँ के बाद आप पेज नंबर 75 पर आ जाइए। आप चलिए पेज नंबर 75 पर देखिए क्या क्या रिड्यूस किया गया, हम आपको बताते हैं। पेज नंबर 75 के ऊपर जो थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट है ये रिड्यूस किया गया है, ये थ्योरम 75 के ऊपर। और उसके बाद देखिए 76 से लेकर 82 तक, पेज नंबर 76 से लेकर पेज नंबर 82 तक तमाम पेजेस रिड्यूस कर दिए गए, इनका कंटेंट रिड्यूस किया गया है। 77 हो गया, फिर उसके बाद 78, 79, 80, 81 एंड 82, ये पूरे के पूरे पेजेस पे का जो भी कंटेंट है वो रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 82 के बाद अब आ जाइए आप पेज नंबर 83 पर। पेज नंबर 83 पर जो है प्रॉब्लम सेट नंबर 3 स्टार्ट हो रही है, उसमें का जो है फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 रिड्यूस किया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पेज नंबर 83 के बाद अब आ जाइए पेज नंबर 87 पर। पेज नंबर 87 देखते हैं हम, पेज नंबर 87 पर आ गए हैं। पेज नंबर 87 पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो रिड्यूस किया गया है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी रिड्यूस किया गया है पेज नंबर 87 पर का। उसके बाद पेज नंबर 88 पर क्वेश्चन नंबर 16 भी रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी जो है पेज नंबर 88 पर क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 ये रिड्यूस किया गया है। फिर उसके बाद पेज नंबर 88 के बाद 89 पर आ जाते हैं हम। चलिए पेज नंबर 87 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 ये और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 रिड्यूस किया गया है। 87 के बाद अब आ जाइए पेज नंबर 88 पर। पेज नंबर 88 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 रिड्यूस किया गया है। अब पेज नंबर 88 के बाद पेज नंबर 89 पर क्वेश्चन नंबर 22 रिड्यूस किया गया 89 के ऊपर। और अब आ जाइए 90 के ऊपर, 90 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 24 ये रिड्यूस किया गया है। 90 के बाद अब आ जाइए आप पेज नंबर 116 पर। चलिए पेज नंबर 16 पर स्लोप ऑफ द लाइन ये पोर्शन नीचे का, और उसके बाद पेज नंबर 117 पूरा का पूरा पेज रिड्यूस किया गया है। अब पेज नंबर 117 से लेकर पेज नंबर 121 तक ये पूरे के पूरे पेजेस रिड्यूस किए गए हैं। 118, 119, 120 और 121 के पूरे पूरे पेजेस रिड्यूस किए गए हैं। 122 पर आ जाइए। 122 पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये रिड्यूस किया गया है, और प्रॉब्लम सेट नंबर 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉब्लम सेट नंबर 5 के अंदर पहले बिट का क्वेश्चन नंबर 4 रिड्यूस किया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमाइन, ये इसके तीनों बिट रिड्यूस कर दिए गए हैं पेज नंबर 122 के ऊपर। इसके बाद अब आ जाइए पेज नंबर 123 पर। पेज नंबर 123 पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 22, ये तीनों क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए गए हैं इस तरीके से। अब आ जाइए पेज नंबर आप 156 पर। चलिए उसके बाद पेज नंबर 156 से लेकर पेज नंबर 159 तक पूरे पेजेस का जो कंटेंट है वो रिड्यूस किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं 157, 158, फिर उसके बाद 159, उसके बाद ये जो 159 तक रिड्यूस किया गया है। अब उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 160 पर। पेज नंबर 160 पर जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी रिड्यूस किया गया है सिलेबस से आपके। 160 के बाद
अब आ जाइए 161 पर। 161 पर आप देख रहे हैं पेज नंबर 161 पर क्वेश्चन नंबर 10 रिड्यूस किया गया है। इस तरीके से मैट टू के जितने भी क्वेश्चंस जो जो भी पार्ट रिड्यूस किया गया है ये भी हमने आपको बताया है। इसके बाद कुछ और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। अब ये देखिए पूरा का पूरा सिलेबस जो है यथादहवी विषय गणित भाग एक, ये जो टॉपिक है जो आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये टॉपिक्स हैं जो हमने आपको जो है पूरा का पूरा बताया है। गणित भाग एक के ये टॉपिक्स हैं जो कि हमने आपको बताए हैं। फिर उसके बाद देखिए दूसरा पेज, इससे भी जो है आपको मदद मिलेगी और अच्छी तरह जो है कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए समझने में। फिर उसके बाद जो है ये पेज, यहाँ पर पेज नंबर दिए गए हैं और कौन से पेज पे क्या क्या जो है कंटेंट रिड्यूस किया गया है। खासतौर पर मराठी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही कारामद है। फिर उसके बाद जो है ये तो जो है भाग एक के लिए था, और जो है ये मैथमेटिक्स पार्ट टू का जो है सिलेबस जो कट किया गया है, यहाँ पर पेज नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर क्या क्या कंटेंट कट किया गया है वो बताया गया है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज देखिए आप, यहाँ पर पेज नंबर्स हैं और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें रिड्यूस की गई हैं वो बताया गया है। मराठी मीडियम के स्टूडेंट बहुत आसानी से इसको समझेंगे। अब उसके बाद जो है एक नोट लिखी गई है, ये नोट भी आपको हम पढ़कर सुनाएंगे। ये जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है 2020 और 2021 के लिए रिड्यूस किया गया है, और उसका एक कारण बताया गया है कि या शैक्षणिक वर्षात अनेक शाला पूर्ण दिवस चालू शकना नाहीत, के इस एकेडमिक ईयर में पूरी तरह जो है स्कूल खुले हुए नहीं हैं, शिक्षकांना अध्यापनासाठी पुरेशी तासिका मिळणा नाही, इस वजह से जो टीचर्स हैं उनको पूरा का पूरा टाइम पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा है, म्हणून पाठ्य पुस्तकातील काही मजकूर अध्यापनातून वगळण्याचे ठरले आहे, इस वजह से कुछ टॉपिक्स यहाँ पर रिड्यूस करने का तय किया गया है। हा मजकूर पाठ्यपुस्तकात अंतर्भूत आहे, म्हणजे तो त्या विषयाच्या अभ्यासासाठी उपयोगी आहे। लेकिन ये मत समझो कि ये इम्पॉर्टंट नहीं है, जो कट किया गया वो भी इम्पॉर्टंट है, पण शिकवण्या पुरेसे वेळ नाही, म्हणून तो विद्यार्थ्यांना स्वयं अध्ययनासाठी फॉर सेल्फ स्टडी सोडले आहे। तो ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए जो टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन आप इसको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, इसकी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। 2020 एंड 21 या वर्षा च्या परीक्षा च्या साठी त्यावर प्रश्न येणार नाही, तो जो आपकी 2020 2021 में जो आपकी एग्जामिनेशन एसएससी की होने वाली है उसमें ये टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। पुढील वर्षाच्या अभ्यासासाठी किंवा स्पर्धा परीक्षांच्यासाठी स्वयं अध्ययनात सोडलेला मजकूर उपयोगी असू शकेल, तो ये आगे के साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टंट है। विद्यार्थ्यांना त्याच्या सवडीने अभ्यास करावी ही सूचना आहे, तो जो है इसका जो है अच्छी तरह जो है जो टॉपिक छूटे हुए हैं उनका भी जो है आप स्टडी करते रहिए। लेकिन जो है 2020-21 के अंदर जो आपको एग्जामिनेशन आप देंगे उसमें इस जो टॉपिक्स हम यहाँ पर आपको बताए हैं वो आने वाले नहीं हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी आप अलग से स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू है। तो हमारी कोशिश के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।